Good morning, students. I hope you all are well. So let's start today's class with chapter number 10, Diversity in India. And in this chapter, we discussed about the festivals, national festival, religious festival, and harvest festival. So today we will discuss religious festivals. In previous class, we already discussed national festivals, Republic Day, Independence Day, and Gandhi Jayanti. And today, we will discuss next topic of chapter, religious festivals, dharmik tyohar, jo alag alag different religion se related hote hain, alag alag dharm se related hote hain, alag alag religion ke log in festivals ko celebrate karte hain. So let's start a class with two festivals, Holi and Eid. Okay, Holi is a festival of colors. Already you all know about Holi. Holi is called festival of colors. Okay, and Eid is the festivals of Muslims. Okay. So let's start with the Holi festivals. Holi is called festival of colors, and on this day Holika Dahan is held. और इस दिन क्या किया जाता है? होलिका दहन किया जाता है, होलिका जलाई जाती है. बिकॉज अ स्मॉल स्टोरी इज हियर, एक स्मॉल स्टोरी है इसके लिए कि क्या हुआ था. बहुत टाइम पहले एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, एक राक्षस था, जो किसी भी गॉड को, भगवान को नहीं मानता था. और जो उनका बेटा जो था प्रहलाद, वो विष्णु भगवान का भक्त था, वो विष्णु भगवान की पूजा करता था. जिस जो किसको पसंद नहीं था, उनके पिता को हिरण्यकश्यप को ये प्रहलाद की ऐसी भक्ति पसंद नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो सभी लोग हैं वो उनकी ही पूजा करें, उनको ही माने, वो अपने आप को भगवान समझते थे. ओके, सो बट प्रहलाद तो किसी की बात मानने नहीं वाला था, वो तो हमेशा ही विष्णु भगवान की पूजा करने में लगा रहता था. और हिरण्यकश्यप जो थे, उन्होंने बहुत कोशिश की प्रहलाद को मारने की, बहुत उपाय किए, पहाड़ से पिकवा दिया, हाथी के नीचे उन्हें कुचलवाना चाहा, लेकिन और खम्बा जो था, एक पिल्लर होता है, उसमें उन्हें उस पर बंधवा के उनको मरवाना चाहा, लेकिन किसी भी तरह से वो उसे मार नहीं सके. क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु थे, वो उन्हें हर बार बचा लेते थे, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा भक्त था प्रहलाद. लेकिन क्या हुआ कि जो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, तो उन्होंने उनसे बोला अपनी बहन को, प्रहलाद को मारने के लिए. तो होलिका को ये वरदान था कि उसे कभी भी कोई जला नहीं सकता. तो उस तो वो प्रहलाद को, प्रहलाद की बुआ थी होलिका, तो उसे लेकर क्या हुआ, आग में बैठ गई. लेकिन प्रहलाद तो बहुत बड़े भक्त थे विष्णु भगवान के, तो वो जैसे ही आग में बैठी प्रहलाद को लेके, और तो वो क्या हो गई, जल गई. और प्रहलाद बच गया. किसकी कृपा से? भगवान विष्णु की कृपा से, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे वो. इसी के कारण आज हम होली मनाते हैं. क्यों? क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी उस दिन. होलिका बुरी थी और प्रहलाद अच्छा था, तो होलिका तो जलकर मर गई. इट मीन्स बुराई हार गई और प्रहलाद जो अच्छे थे वो जीत गए. इट मीन्स अच्छाई जीत गई. इसी खुशी में हर साल होली का त्यौहार मनाया जाता है, होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, सो अगेन, होली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग. और होली जो है स्प्रिंग की बिगिनिंग, इट मीन्स जो बसंत ऋतु है, बसंत जो स्प्रिंग सीजन है, उसकी बिगिनिंग, उसकी स्टार्टिंग की खुशी में मनाया जाता है. मार्च में स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, तो उसकी खुशी में भी उसके ये होली सेलिब्रेट की जाती है. ऑन दिस डे पीपल विजिट ईच अदर हाउसेज. और इस दिन, होली के दिन, जो लोग हैं वो एक दूसरे के घर में जाते हैं और एक दूसरे को क्या लगाते हैं, गुलाल, कलर. ओके, पीपल प्ले विथ कलर्ड पाउडर और गुलाल.
लोग जो होते हैं वो कलर्ड पाउडर, गुलाल और कलर्ड वाटर के साथ खेलते हैं, कलर्ड वाटर फिल करते हैं पिचकारी में एंड थ्रो ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं. ओके, होलिका दहन और बर्निंग ऑफ होली पायर्स. होलिका दहन और होली पायर्स, इट मीन्स होली की चिता उस दिन जलाई जाती है. क्या होते हैं होली पायर्स? तो देखिए इस पिक्चर को. होली पायर्स ऐसे होते हैं जो वुड होती हैं उनको इस शेप में लगाया जाता है और उसमें जो फायर होती है वो बर्न की जाती है. इस तरह से लकड़ी का एक ढेर बनाया जाता है और उसे जलाया जाता है, ऐसा मान के कि वो किसको जला रहे हैं, होलिका को जला रहे हैं. तो ये होली पायर्स होते हैं, होली की चिता होती है. ओके, तो इस दिन होली का दहन किया जाता है शाम को. सो दिस इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत को बताता है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फेस्टिवल होली, दैट व्हाई इज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कि क्यों ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद. व्हाई पीपल सेलिब्रेट ईद? सो ईद मेनली ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा, दीज टू ईद फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. हमारे इंडिया में जो ये दो मेन ईद है, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, ये दो ईद मेनली हमारे इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है. एंड ऑन दिस डे अ स्वीट डिश सेवैयाँ इज मेड. सेवैयाँ जो है इनकी स्वीट डिश है वो भी बनाई जाती है. सो ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा आर टू मेन ईद सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ लॉन्ग फास्टिंग मंथ. ईद जो है वो लॉन्ग फास्टिंग मंथ का एंड माना जाता है. इट मीन्स जो मुस्लिम पीपल होते हैं वो वन मंथ का फास्ट रखते हैं, 30 डेज तक वो फास्ट रखते हैं. और जब 30 डेज का एंड हो जाता है, इट मीन्स जब मंथ का एंड हो जाता है और उन्हें 30 डेज के बाद जो मून दिखाई देता है, उस मून को देखने के बाद वो अपना फास्ट खोलते हैं और ईद फेस्टिवल मनाते हैं. सो ईद उल फितर मार्क द एंड ऑफ मंथ लॉन्ग फास्टिंग नोन एज रमदान और रमजान. ईद उल फितर जो है वो लॉन्ग फास्टिंग मंथ का एंड माना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, रमदान या फिर रमजान. रमदान भी बोलते हैं इसे और रमजान भी बोलते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्ग फास्टिंग मंथ इज नोन एज रमदान और रमजान. ओके, सो पीपल ऑफर प्रेयर नमाज टुगेदर एट अ मॉस्क्यू. जो लोग होते हैं, मुस्लिम पीपल होते हैं, वो इस दिन प्रेयर करते हैं, नमाज अदा करते हैं. कहाँ नमाज पढ़ते हैं? वो मॉस्क्यूज में, इट मीन्स मस्जिद में. मस्जिद में जाके लोग उस दिन नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं. जैसे हम हमारे फेस्टिवल पर गोट की गोट से प्रे करते हैं, वैसे ही जो मुस्लिम पीपल हैं वो भी अपने ईद फेस्टिवल पर मॉस्क्यू में जाकर, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, वर्शिप करते हैं. ओके, दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड चिल्ड्रन आर गिवेन ईदी. वो क्या पहनते हैं उस दिन? न्यू क्लोथ्स पहनते हैं. जैसे हमारा फेस्टिवल होता है दिवाली होली, वैसे ही इनका फेस्टिवल ईद है, इनके लिए बहुत बड़ा. तो जैसे हमारे फेस्टिवल पर न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, दिवाली पर, हम अभी दिवाली आएगी तो हम न्यू क्लोथ्स खरीद के लेके आएंगे और न्यू क्लोथ्स पहनेंगे, वैसे ये ईद पर नए नए क्लोथ्स पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं. और जो चिल्ड्रन से बच्चे हैं उनको, जो के घर में जो भी बड़े लोग होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को ईदी देते हैं. ईदी इट मीन्स मनी और गिफ्ट्स. ईदी उन क्या किसे बोलते हैं? ईदी मनी और गिफ्ट्स को. इट मीन छोटे बच्चों को, जो बड़े लोग होते हैं वो कुछ या तो कुछ पैसे देते हैं या फिर गिफ्ट्स देते हैं. जैसे दिवाली पे हमें भी गिफ्ट्स मिलते हैं, वैसे वहाँ भी ईद के दिन वो अपने घर में जो बच्चे होते हैं उनको गिफ्ट्स देते हैं, ईदी देते हैं.
ओके, गिफ्ट दिए जाते हैं उन्हें, और उन गिफ्ट्स को, उन मनी को क्या बोला जाता है? ईदी, ईदी बोलते हैं, क्योंकि ईद पे दी जाती है, इसलिए वो ईद पे जो गिफ्ट्स और मनी दी जाती है उसे वो ईदी बोलते हैं. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द फेस्टिवल ऑफ ईद. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टू फेस्टिवल, होली एंड ईद. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, एंड ऑन दिस डे होलिका दहन इज हेल्ड. इस दिन होलिका दहन की किया जाता है. एंड ईद, ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम पीपल, एंड ऑन दिस डे दे ऑफर नमाज इन मॉस्क्यूज एंड गिव गिफ्ट टू देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड ईदी, जिसे ईदी कहा जाता है. फाइन, सो यू हैव टू रीड दिस फेस्टिवल होली एंड ईद फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. Thank you. Have a nice day.